एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लक्षद्वीप से सांसद रहे मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली की अधिसूचना थोड़ी देर पहले लोकसभा सचिवालय ने जारी की है। तो लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास में स्थानीय कोर्ट ने 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी और इसी के बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट की ओर से दोष सिद्ध पर रोक के फैसले के बाद अब उनकी लोकसभा की सदस्यता को दोबारा बहाल कर दिया गया और ये वो नोटिफिकेशन इस वक्त आपके सामने। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि त्रिपाठी और अरविंद सिंह। सबसे पहले अरविंद, जानना चाहेंगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए इसे लाया गया था, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा ने इसे बहाल कर दिया है उनकी सदस्यता को, तो अब इस मामले पर और कोई सुनवाई की उम्मीद? देखिए चंदन, अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई का कोई औचित्य बनता नहीं है। हालांकि मामला चूंकि सुनवाई पर लगा था तो लिहाजा कोर्ट में मामला सुनवाई पर आज आएगा और इसी बीच कोर्ट को बता दिया जाएगा वकीलों की तरफ से कि जिस मांग के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लोकसभा सचिवालय की तरफ से उस मांग को पूरा कर दिया गया है। और चूंकि फैजल की तरफ से ये कहा गया था कि हाई कोर्ट ने न केवल सजा पर रोक लगाई है बल्कि इस मामले में दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर भी रोक लगा दी है, तो ऐसे में वो लोकसभा की सदस्यता के लिए अब अयोग्य करार नहीं रह गए हैं और लोकसभा सचिवालय को अपना पुराना आदेश वापस लेना चाहिए। और उनका यह भी कहना था कि एक जनप्रतिनिधि के नाते वो वोटरों का एक अधिकारों का भी हनन है कि अगर इस पर लोकसभा सचिवालय अपना पुराना आदेश वापस नहीं लेता। लेकिन अब अरविंद, यहाँ एक अहम बात यह है कि सिर्फ स्टे भर से जो है फैसला पलट जाएगा, उसमें पूरी तरह से जो रोक होता है वो नहीं हुआ है, सिर्फ स्टे मिला है, अंतिम फैसला अभी भी उस पर आना बाकी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यह समझना होगा कि सदस्यता बची रहे यानी डिस्क्वालिफिकेशन वाला क्लोज लागू ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सजा पर रोक के साथ साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन जो कन्विक्शन वाला जो फैसला है उस पर भी रोक लग जाए। तो मोहम्मद फैजल को हाईकोर्ट ने न केवल सजा सस्पेंड की थी बल्कि कन्विक्शन वाले फैसले पर भी रोक लगा दी थी और यही वजह है कि वो एक तरीके से उनकी मेंबरशिप जो गई थी उसको बहाल करने का उनको एक अवसर मिल गया। ठीक है, रवि भी हमारे साथ बने, अरविंद वापस मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि इस मामले को लेकर के आप कानूनी दाव पेच क्या है ये समझ लिया आपसे, लेकिन क्या कुछ मांगे की गई थी फैजल की तरफ से? रवि, मैं चाहूंगी इस पूरे मामले को एक बार आप दर्शकों के सामने रखिए। अब बिल्कुल देखिए, फैजल की सदस्यता जिस आधार पे गई वो आपको अरविंद ने समझाया कि वो दोषी भी करार दिए गए थे और उनको सजा भी 10 साल की मिली थी, लेकिन जब लोअर कोर्ट की सजा को हाई कोर्ट में उन्हें स्टे मिल गया उसी आधार पर उन्होंने जाकर लोकसभा सचिवालय को जानकारी दी कि मुझे कोर्ट से राहत मिल गई है, मेरी सदस्यता को बहाल किया जाए। हालांकि फैजल भी तब जगे जब राहुल गांधी का मामला अभी आया है, राहुल गांधी का मामला की सदस्यता का जब मामला आया है उसके बाद वो जगे और उन्होंने जब जाकर उनको कहीं ना कहीं लोकसभा सचिवालय को इस बात की जानकारी दी, कोर्ट का भी दबाव, कोर्ट में भी वो जाने वाले थे और कहीं ना कहीं दबाव में आकर ऐसा लग रहा है कि लोकसभा सचिवालय ने जल्दबाजी में फैसला किया है और बड़ी राहत। रवि आप बने रहिए हमारे साथ, अरविंद बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। Z News।